एक सिचुएशन में आप आ गए, एक प्रॉब्लम में आप आ गए, उस टाइम पे व्हाट इज राइट एक्शन, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, टू एक्ट इन वन पर्टिकुलर वे और इन सम अदर वे, सो हाउ टू एक्ट, राइट? देखो, आप जो भी एक्शन लोगे किस बेस पे लोगे, आपकी जो नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, उसके बाहर आप एक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रहा हूं एक टोटल मुझे देना, टोटल मुझे बहुत प्यास लगी है, टोटल देना, ठीक है, तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई मेमोरी पड़ी ही नहीं है। व्हाट इज टोटल? बॉटल तो पता है, व्हाट इज टोटल? आप समझ गए, मैं आपको कहूं एक बॉटल देना, व्हाट इज राइट एक्शन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? बॉटल को उठाया और दे दिया, इज इट राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन? इट इज राइट एक्शन। तो यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम चाहें भी तो जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके बाहर हम एक्ट नहीं कर सकते। जब तक एक सिचुएशन हमको समझ नहीं आएगी तब तक हम उस पर एक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं हमारे एक्शंस एक एक करके सही होते चले जाएं, तो जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, चाहे रिलेशनशिप्स है, चाहे लाइफ है, चाहे हेल्थ है, उसकी करेक्ट नॉलेज आपके पास आती चली जाए, जो कि फैक्ट्स के बेस पर हो, रियलिटी के बेस पर हो और इल्यूजन्स के बेस पर ना हो, बिलीव्स के बेस पर ना हो, थ्योरी के बेस पे ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी के बेस पर हो। रियलिटी मींस वो विच हैज बीन वेरीफाइड अगेन एंड अगेन, विच हैज बीन टेस्टेड अगेन एंड अगेन, विच इज अ प्रूवन फैक्ट। क्लियर हो गया? तो जब हम रियलिटी के अकॉर्डिंग लाइफ में चलते हैं, रियलिटी को देख करके चलते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये काम मैकेनिकल चीजों में तो काम कर जाता है। मैकेनिकली आपको ये काम करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको उस काम को करने की नॉलेज चाहिए। एक मशीन चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो आपको ये सीखना है कि गाड़ी कैसे चलानी है। उसका पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो क्या होगा, आप गाड़ी अच्छी चलाने लग जाओगे। उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? गाड़ी चलाने का एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि आपको लेफ्ट साइड पर ड्राइव करना है। अगर आप इंडिया में हो, आप कहो नहीं मैं तो राइट में करूंगी क्योंकि मुझे लगता है राइट में करना ठीक है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो हो गया मैकेनिकल में। अब लाइफ में कैसे करोगे कि मैं किसी इंसान के साथ में हूं और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी और उसकी नहीं बन रही, अब मुझे उसके साथ रहना है या छोड़ना है, उसको छोड़ना है या उसके साथ रहना है, उससे लड़ना है या उससे नहीं लड़ना है, इस सिचुएशन में गुस्सा करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर कोई बुक है, कोई साइंस है, तो कैसे करोगे? आप नहीं भी चाहोगे, अभी आप कैसे कर रहे हो वो मैं आपको बता देता हूं, इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देख लेना। आप नहीं भी चाहोगे तो आप एक्ट करोगे अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग, नहीं भी चाहोगे तो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस सिचुएशन को बेटर तरीके से समझना है, रियलिटी को एज इट इज देखना है। दैट विल गिव यू राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड योर एक्शन इज गोइंग टू बी राइट एक्शन। बट इवन आफ्टर दैट, ये सब करने के बाद भी जो आउटकम आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। इसको जान लेना है स्पिरिचुअलिटी, कि आपने सब कुछ किया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बड़े अच्छे से समझ लिया और एक एक्शन ले लिया जो आपको सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोई रूल नहीं है कि वो सही ही है। हो सकता है आपने सही सोच करके किया लेकिन उसका आउटकम गलत आ गया। आपने अपनी तरफ से कुछ अच्छा सोच करके सामने वाले के लिए किया, वो बजाय कुछ अच्छा करने के वो आपके साथ बुरा करने लग गया। आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो, वो आपके साथ बुरा कर रहा है, अब क्या करोगे? अगेन यू हैव टू एनालाइज दिस होल सिचुएशन एंड डिसाइड कि अब इस मोमेंट में मुझे क्या एक्ट करना है, बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड। ये पल पल का खेल है, इसको जिंदगी बोलते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। यहां पर साइंस नहीं काम आती, यहां पर कोई साइंस काम नहीं आएगी। राइट एक्शन की डेफिनेशन पल पल में बदलेगी। इस मोमेंट में राइट एक्शन क्या है, इस मोमेंट में आपको सिचुएशन को समझना है, एक्ट करना है। एक्ट किया आपने ये सोच करके कि ये राइट एक्शन है, वो रॉन्ग एक्शन हो गया। अगले मोमेंट में आपको समझ आया मैंने सोच करके किया था कि ये सही है लेकिन ये तो गलत हो गया, अब क्या करूं? अवेयर रहना है, समझना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ठीक है अब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, अब क्या करना है? कुछ भी एक जैसा नहीं रहता इस दुनिया में। इसके लिए एक स्पिरिचुअल माइंड चाहिए, एक प्रेजेंट माइंड चाहिए।
जो प्रेजेंट मोमेंट में रह करके पहले रियलिटी को समझ सके, ध्यान से देख सके. यू हैव टू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग लाइफ. द मोर यू अंडरस्टैंड लाइफ, तो होगा क्या कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होना औरों के साथ में धीरे धीरे बंद हो जाए. जब कॉन्फ्लिक्ट्स होना कम हो जाए, बंद हो जाए, और सिर्फ बाहर ही नहीं हमारे अंदर भी, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ राइट एक्शन.